हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाटा ने अपने जेनेवा मोटर शो में, अगर मैंने वीडियो सर्च किया अभी जेनेवा मोटर शो में क्या हो रहा है और क्या कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं, तो वो जेनेवा मोटर शो कम लग रहा था, टाटा मोटर शो ज़्यादा लग रहा था। टाटा की इतनी सारी कार्स उसमें लगी हुई थी एंड आधे से ज़्यादा तो टाटा की कार्स उसमें बहुत सारी लगी हुई थी। तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जैसे 4x5 एंड आपका हैरियर पे एक वीडियो ड्यू है, वो भी बनाना है, H5X, वो तो काफ़ी रिव्यूज़ उस पर आ भी चुके हैं। एंड एक और उन्होंने दिखाया था H7X, जो कि लगभग एक हैरियर का ही बड़ा भाई है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, आप समझ लीजिए। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, बट उसमें टाटा ने एक और गाड़ी दिखाई थी, वो कॉन्सेप्ट था H2X। तो H2X के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो H2X क्या है, क्या चीज़ है, ये कौन से सेगमेंट में आएगी, क्या नाम होगा इसका, एंड क्या माइलेज देगी कार, किस प्राइसिंग पे आएगी, किस कार से कम्पीट करेगी, एंड कौन से इसमें फीचर्स मिलेंगे एंड कौन से इसमें इंजन्स मिलेंगे। तो आज इसी बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है अभी दबा दीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाटा एक एक करके अपने सेगमेंट छोड़ ही नहीं रहा है, उसको हर सेगमेंट में घुसना है, वो लगभग हर सेगमेंट में घुस भी गया। एंट्री लेवल में भी उसके पास टियागो है, कॉम्पैक्ट सेडान में उसके पास टिगोर है, मिनी एसयूवी में नेक्सॉन है, फिर हैरियर है, फिर हेक्सा है, वो अब एक एक करके हर सेगमेंट में घुस रहा है, चाहे छोटा से छोटा सेगमेंट हो, चाहे जितना स्कोप कम हो, चाहे जितना अच्छा हो, टाटा हर सेगमेंट में अपनी कार लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, जो कि दिख रहा है। प्रीमियम हैचबैक भी अपकमिंग है उसकी, एंड उसकी एक प्रीमियम एसयूवी भी अपकमिंग है, H7X, जो हैरियर का ही एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है। उसी तरीके से H2X भी है, H2X का नाम होने वाला है, अभी जहाँ तक इंफॉर्मेशन आई है मेरे पास कि इस कार का नाम होगा हॉर्नबिल, टाटा हॉर्नबिल के नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी। एंड ये एक्चुअली एक नया जो सेगमेंट शुरू हो गया है फोर्ड फ्री स्टाइल के साथ से, सीयूवी या माइक्रो एसयूवी, तो माइक्रो एसयूवी के ही सेगमेंट में आएगी। तो इसको टाटा भी माइक्रो एसयूवी ही बुला रहा है। एंड इसका जैसे आप लोग अगर फ्रंट के लुक्स की अगर मैं बात करूँ, जो कि दिखाया गया है कॉन्सेप्ट में, तो मुझे काफ़ी हद तक ये चांसेस पूरे हैं कि जैसा आपको कॉन्सेप्ट में दिख रहा है उससे थोड़ा ही डिफरेंट होगा इसका लुक, मतलब उससे मिलती जुलती ही आपको प्रोडक्शन रेडी कार मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि टाटा की हैरियर और H5X जब दिखाई गई थी, और 4x5 तो ऑल्ट्रोज और 4x5 में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन व्हीकल में, बट ऐसे ही हैरियर और H5X का जो उसका प्रोडक्शन था और कॉन्सेप्ट वेरियंट था, वो दोनों काफ़ी सिमिलर थे। तो मेरी उम्मीद यही है कि ये भी काफ़ी सिमिलर होगा अपने प्रोडक्शन वेरिएंट में। तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो टाटा थोड़ी कार अपनी राउंड शेप्ड बनाती है, थोड़ी गोल गोल सी रहती है ना उनकी कार, गोल गोल सी, तो गोल गोल सी कार बनाती हो, तो गोल गोल इसमें नहीं मिलेगा आपको, इसमें आप थोड़ी ये बॉक्सी शेप आपको दिखेगी, काफ़ी बॉक्सी और एरोडायनामिक इसका आपको लुक दिखेगा। जैसे फ्रंट में भी बॉक्सी है एंड डुअल टोन बम्पर है जैसे हैरियर में आता है, एंड इसमें एक स्टार टाइप की लाइट्स है नीचे, LED DRLs दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एंड ऊपर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के सेटअप्स मिल जाएंगे। एंड इसमें साइड प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो साइड से भी बॉक्सी लगती है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाई लग रही है, एंड जो इसमें व्हील्स दिखा रहे हो मुझे नहीं लगता आएंगे इंडिया में, क्योंकि ये आएंगे तो इंडिया में तो लोग चला नहीं पाएंगे, बहुत टायर अगले दिन ही वो लेके पहुंच जाएंगे, भाई टायर तो फट गए हमारे, क्योंकि इतनी लो प्रोफाइल वाले इंडिया में नहीं चल सकते टायर्स, और खासकर SUVs में। तो मुझे मेरे उम्मीद है कि 15 इंचर्स या 16 इंचर्स से बड़े टायर नहीं आएंगे इस कार में, डिज़ाइन ऐसा दे सकते हैं बट डिज़ाइन मुझे नहीं लगता है ऐसा देंगे, बट 15-16 इंच के इसमें टायर आएंगे। एंड साइड में आप देख सकते हैं तो उसके जो सी पिलर है उसी में आपको स्विफ्ट की तरह और ऑल्ट्रोस की तरह उसी में डोर हैंडल दिया हुआ है डोर ओपन करने के लिए, इसमें आपको अलग से एक बार वो ग्रैब हैंडल नहीं दी गई है बाहर से जैसे नॉर्मल कार्स में होती है, इसमें सी पिलर में दी गई, जो कि अच्छा लग रहा है, वो कोई वो अब नया ट्रेंडिंग सा लोग बनाते हैं तो उसको भी टाटा ने इसमें डाल दिया है। एंड अगर इसकी बैक लुक की बात करें तो मुझे थोड़ी सी रिजेंबल करती हुई लगती है टियागो से, बट टोटली अलग ही लुक लगता है इस कार का आगे से पीछे से, आगे से थोड़ी हैरियर जैसी लगती है, मतलब बहुत छोटी एक बच्चा हैरियर लगती है, एकदम छोटी सी हैरियर का छोटा भाई लगता है, तो वैसी लगती है कार। एंड बॉक्सी लगती है तो अंदर से मेरे अकॉर्डिंग स्पेस काफ़ी अच्छा होगा कार में, जहाँ तक वीडियोज़ मैंने देखे, और मैं पर्सनली कार के पास नहीं गया बट वीडियोज़ देखे, जहाँ तक फ़ोटोज़ दिख रही हैं, कई लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें लगता है कि कार में जो फीचर्स होंगे वो अच्छे होंगे,
कार की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होगी एंड स्पेस जो कार में होगा वो ओके होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। एंड जहाँ तक इसके इंटीरियर्स की बात है तो इंटीरियर्स काफ़ी अलग से और फ्यूचरिस्टिक से इसमें दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है ऐसा कुछ आने वाला है। अगर आप इसका बेसिक लाइन देखेंगे तो एक बीच में जो लाइन जा रही है ग्रे कलर की, ब्लू के टच के बीच में जो लाइन है वो एकदम देखिए हैरियर और हेक्सा से मिलती जुलती है। तो ये टिपिकल मुझे लगता है टाटा के डिज़ाइन से रिजेंबल करता हुआ ही एक इंटीरियर इसमें भी दिया जाएगा, जिसमें मुझे ये नहीं कंफर्म है कि इसमें डेस्कटॉप टच स्क्रीन आएगी नहीं जैसे नेक्सॉन में आती है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी टाटा दे देगी डेस्कटॉप वाली टच स्क्रीन जो नेक्सॉन में आती है, हैरियर वाली नहीं देगी, नेक्सॉन वाली देगी, तो ये भी इसमें दे देगी कंपनी। एंड इसमें आपको अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी अच्छी खासी ही मिलने वाली है, हैचबैक सेडान जैसी नहीं मिलेगी, हैचबैक से थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी इसमें आपको। एंड इसमें अगर आपको इंजन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से मिलेंगे, तो इंजन ऑप्शंस मुझे पता नहीं क्यों इसके लिए बहुत अजीब सा लग रहा है बताते हुए, लेकिन इंजन इसमें वही टियागो वाले दोनों इंजन आने की पूरी पूरी संभावना है कि टियागो वाले इंजन इसमें दिए जाएंगे, मतलब आत्मा दिल इसका टियागो का ही रहेगा। इसमें बस आपको थोड़ी और मतलब बल्क की कार मिल जाएगी और कोई अंतर नहीं रहेगा, और प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी इस कार की। एंड अगर इसके इंजन की बात की जाए तो वही आपको टियागो वाला 1.2 और 1.05 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, तो वो सब आपको नोन है, बट मैं सोचता हूँ कि अगर इसमें 1.5 लीटर वाला जो नेक्सॉन वाला डीजल इंजन है वो अगर इसमें आ जाता है तो वो काफ़ी अच्छे से कम्पीट कर पाएगा फ्री स्टाइल से, क्योंकि मैं इसका मेन कंपैरिजन अभी फ्री स्टाइल को ही समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी प्योर सीयूवी या माइक्रो एसयूवी इस समय फ्री स्टाइल ही मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि फ्री स्टाइल वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करती है एक एसयूवी वाले, मतलब मिनी एसयूवी के कैरेक्टरिस्टिक तो अच्छे से मीट करती है, क्योंकि 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि एक प्योर मिनी एसयूवी से ज़्यादा, XUV300 से ज़्यादा, XUV300 में 300 mm है। तो फ्री स्टाइल काफ़ी सारे फीचर्स भी देती है जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो अगर इस कार की अगर मैं स्कोप की बात करूं इंडिया में कि इसका स्कोप कैसा होगा, तो मुझे लगता है कि लोग खरीदेंगे बट फ्री स्टाइल की भी सेल्स उतनी खास कुछ हो नहीं रही है, 2000 से भी कम कारें बिक पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये आएगी कार तो या तो ये मार्केट गर्म हो जाएगा और ये मार्केट भी थोड़ा ऊपर आएगा जैसे मिनी एसयूवीज का आया था, लोग हैचबैक एंट्री लेवल हैचबैक्स को छोड़ के इनको खरीदने लगेंगे, या तो फिर इस कार को इग्नोर कर देंगे लोग, बहुत ज़्यादा गिनती में इसकी सेल नहीं होगी, या तो देखिए ये बीच में नहीं अटकेगी, मुझे लगता है इसकी सेल या तो बहुत भयंकर होगी या तो एकदम लो वाली सेल्स होगी कि बस बिक जाएगी कार। कार नो डाउट अच्छी रहेगी बट कार का वो जो गैप है ना प्राइस का वो बहुत कम है टियागो से, बहुत आप उसको नेक्सॉन तक ले नहीं जा सकते क्योंकि नेक्सॉन से भिड़ जाएगी तो लोग नेक्सॉन खरीदेंगे, टियागो तक ले जाएंगे तो आपकी टियागो कौन खरीदेगा, तो ये सब कार जो है बीच में फंसी हुई, जैसे फ्री स्टाइल का भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा, फिगो आ जाएगी अभी नई वाली तो फिगो कौन खरीदेगा, तो यही इन कार्स में मार्जिन बहुत कम है, आप प्राइसिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रख सकते, अगर एग्रेसिव रखेंगे तो उनकी नीचे वाले प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीदेगा और अगर एक्सपेंसिव रखेंगे तो इनके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा कोई। अगर फ्री स्टाइल की कीमत अगर 7 लाख से शुरू कर दी जाए, 8 लाख से शुरू कर दी जाए तो कार में उस अकॉर्डिंग फीचर्स हैं, बट फिर लोग इको स्पोर्ट को फिर वो खाएगी, इको स्पोर्ट की सेल खाएगी और खुद भी उतना नहीं बिकेगी, तो ये प्रॉब्लम आती है इन कार्स के साथ। बट कार्स नो डाउट अच्छी हैं और फ्री स्टाइल में इतने फीचर मिलते हैं तो मुझे लगता है इस कार में भी आपको डुअल एयरबैग्स, एयरबैग और ABS एंड EBD ये सब फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे इस कार में भी, रियर पार्किंग सेंसर भी मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा एंड वो कंपनी देगी, क्योंकि वो भारत न्यू असेसमेंट सेफ्टी प्रोग्राम के तहत वो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको कंपलसरी हो जाएंगे कार में, तो ये भी कार देगी इसमें। तो ये कार मुझे लगता है कि 2020 तक आएगी और 2020-21 तक, 20 के एंड तक आनी चाहिए इंडियन मार्केट में, एंड अगर आती है तो मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ा लोग इस माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि ये सेगमेंट भी अच्छा है एंड लोग इसमें कार्स, मुझे लगता है अगर ये आएगी तो थोड़ा कंपटीशन भी बिल्ड हो सकता है कि ये दोनों कार में फिर कंपैरिजंस वीडियोस बनेंगे, क्योंकि फ्री स्टाइल का भी कोई कंपटीटर एकदम डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, लोग फ्री स्टाइल को प्राइस से देख के कंपेयर करते हैं, उसकी प्राइस में कौन कौन सी कार आ रही हैं तो उनसे कंपेयर करते हैं, बट फ्री स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग है उन कार से, अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक वाली कार उस प्राइसिंग में कोई नहीं आ रही। टियागो एनर्जी उन्होंने लॉन्च की थी वो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था उसमें, बस क्लैडिंग लगा के और ग्राउंड क्लियरेंस रेस कर दी थी और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था और इंजन चेंज था नहीं,
तो वो भी फ्री स्टाइल से कम्पीट नहीं कर पा रही थी, एंड फ्री स्टाइल से काफ़ी सस्ती भी थी। फ्री स्टाइल का भी कोई कंपटीटर नहीं है, बट मुझे लगता है हॉर्नबिल आएगी तो वो लगभग फ्री स्टाइल की प्राइसिंग के आसपास आएगी, 5 लाख से 7 लाख के बीच में, 8 लाख के बीच में आएगी। तो ये प्राइस ब्रैकेट में अगर ये कार आती है तो ये पक्का फ्री स्टाइल से थोड़ा कंपटीशन करेगी, मार्केट को थोड़ा और ऊपर ले जाएगी और इस सेगमेंट की तरफ लोगों को खींचेगी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे ओपिनियन है। एंड आपके क्या ओपिनियन है इस कार के बारे में, कैसी लग रही है आप लोग को, आप लोग क्या इस कार को खरीदना चाहेंगे अगर इंडियन मार्केट में आएगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं कर रखा है तो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए, गुड बाय।